हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। हैप्पी गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा मोरिया। आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ना, ये देखिए, गणपति डेकोरेशन घर पे इजी वे में कैसे करें, एकदम इजी आसान रास्ता, कैसे क्विक। अभी सभी के पास टाइम नहीं रहता कि वो कहीं से ये करेंगे, सब जॉब वाले बिजनेस वाले रहते हैं, तो उनके लिए आज मैं लेकर आया हूँ ईजी वे गणपति डेकोरेशन, गणपति होम डेकोरेशन इजी वे, या गणपति डेकोरेशन घर पे कैसे करें, गणपति का डेकोरेशन एकदम आसान रास्ते पे। क्या लिया हमने, देखिए एक टेबल लिया है। टेबल को हमने एक ये कपड़े डाले हैं, देखिए ये जो है ना, एक नीचे से और ऊपर से ये इसका क्या नाम है, वेलवेट है, वेलवेट। ये देखिए ये वेलवेट डाला है गणेश जी को बैठने के लिए, गणपति बप्पा मोरिया। और ये टेबल को मैंने ना सुला दिया है, उससे क्या हुआ, देखिए सिंहासन जैसा बन गया है उनको पीछे से, ठीक है। और हमने क्या लिया है, एक मकर लिया है, देखिए मकर लिया है, उसको थोड़ा रीडेकोरेट किया है अलग अलग फूल से, ठीक है। ये अवेलेबल होता है मार्केट में, जहाँ भी आप रहेंगे ऐसा मकर मिल जाएगा, ओके फ्रेंड। और ये देखिए थोड़ा हमने ये अलग सा ये लगा दिया है, एक ये लगा दिया है, कमल का फूल है। दिया, बड़ा वाला दिया, ये तो सभी जगह पे अवेलेबल है, आप जिधर भी रहेंगे वो मिल जाता है इजीली, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया ना, एक देखिए विनाइल प्रिंट कराया है, क्रिस्टल, उससे लेमिनेशन, क्रिस्टल लेमिनेशन कराया है, स्पार्कल लेमिनेशन बोलते हैं उसको। अब देखेंगे ना जैसा लगेगा एकदम उठ के आया है, देखिए वाटरफॉल है, ये पेड़ है, हमसे पापा ने आले गणपति, मांडी पे बस ले गणपति है ना, वो बच्चा का फेमस है, देखिए वो इसके लिए ये मैं उस पर लगाया गुफा में, शिव और पार्वती और भी उनके गोद में कौन बैठे, गणेश जी, ओके फ्रेंड। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और ऊपर क्या लगाया मैंने, बलून लगा दिया है, जैसे हैप्पी बर्थडे होता है सबका, देखिए बलून्स रहता है, तो इसलिए ये मैंने बलून्स लगाए हैं, ओके। और ये देखिए इधर से मैंने ये ऐसा फूलों का इको किया, एकदम जैसा नेचर में रखा है गणेश जी को। अभी सबको नेचर पसंद है, भगवान को भी नेचर पसंद होता है ना, हम लोग पहाड़ पे घूमने जाते हैं, वाटरफॉल पे जाते हैं, तो मैंने इसलिए वाटरफॉल बनाया। ये देखिए ये लग रहा है कि एकदम वाटर ही है, पानी ही है लग रहा है, पीछे देखिए, पीछे देखेंगे ना एकदम से ये गणेश जी बैठेंगे यहाँ पे। और ये देखिए इनका पानी है पीछे, दिख रहा आपको, ये देखिए यहाँ नंदी बैठे हैं, और ये शिव जी, पार्वती जी और गणपति जी, ठीक है। और ये पहाड़ है, कैलाश पर्वत बना है, ये देखिए। और ये मस्त सिंपल डेकोरेशन है घर पे करने के लिए, एकदम इजी वे, क्विक हो गया, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दिया। बिजनेस वाले जो भी हैं या जॉब वाले, उनको टाइम आजकल नहीं रहता उतना कि वो एक दो तीन दिन देंगे, तो इजी वे में देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखिए दूर से मैं आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा दिख रहा है, तो आप भी कर सकते हैं, ये सब मार्केट में सब अवेलेबल है। ये जो पत्ती है 30-35 रुपये में अवेलेबल होते हैं, ये वाला लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है आपको, ये 100 रुपीज़ में ये वाइट वाला भी मिल जाता है, बलून्स का पैकेट हो जाता है। फिर आपको ये विनाइल प्रिंट आप करा लीजिए, जहाँ भी इजी है वहाँ पे, ठीक है। और ये मकर ले लीजिए, आपको इजी वे में मकर मिल जाएगा, ओके। और ये हरा हरा सब है ना, मेरी वाइफ भी हरी साड़ी पहनी हुई है, उसका भी आज एकदम हरा हरा मैचिंग कर रहा है, ठीक है। अभी मैं अपना ही शक्ल नहीं दिखा हूँ इतना दिन में, तो अभी वाइफ का कैसे दिखाऊँ आपको, इसलिए जब हम आएंगे सामने तो दिखाएंगे आपको। ये देखिए बलून भी सबने ये रखा हुआ है। अब ये देखिए ये लाइन देखिए राइट साइड का कितना सुंदर दिख रहा है, और ये बीच में देखिए, बीच का आप देखेंगे ना, वो लग रहा है उसने मेहनत से बनाया, बहुत अच्छा बनाया है, ये देखिए, ओके फ्रेंड। तो ये है आपको गणपति होम डेकोरेशन एकदम इजी वे, आप घर पे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है, आप कीजिए। आज गणेश चतुर्थी है, मैं ये डाल रहा हूँ वीडियो, ये वीडियो देखकर कीजिए, और फिर मैं शॉर्ट्स डालूँगा गणपति का जब बैठेंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कि सभी लोग को ये वीडियो इजी वे वाला मिल जाए, ठीक है।
और इसमें अगर कुछ ये है तो आप सजेस्ट कीजिए, मैं उस पर चेंज करूँगा आपके अनुसार। अगर कुछ लगता है कि हाँ इसमें और कुछ करना चाहिए था तो आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव। ओके फ्रेंड एंड थैंक यू, धन्यवाद।